स्टूडेंट आई एम के पी सर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 5 ऑफ क्लास 12 मैथ। चैप्टर इज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो डियर स्टूडेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। अगर जो हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो डियर स्टूडेंट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में हम आपको बता दें कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी में, ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, तो हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी में आपको हम बता दें कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फंक्शन को समझना, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था फंक्शन के बारे में क्लास 11 में, थोड़ा सा मैं रिलेट कर दे रहा हूँ। देखिए, कंटिन्यूटी का मतलब होता है किसी भी फंक्शन का ग्राफ विदाउट लिफ्टिंग के, यानी बिना पेन उठाए हुए अगर जो किसी भी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूटी, ठीक है। और डिफरेंसिबिलिटी क्या होता है? डिफरेंसिबिलिटी हमारा होता है किसी एक पॉइंट पे अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल हो जाए, LHL और RHL इक्वल है, दैट इज कॉल्ड डिफरेंसिबिलिटी, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यूटी की बात करते हैं। जैसे अगर मैं फंक्शन की बात करूँ, ठीक है, फंक्शन, तो फंक्शन आपको पता है, फंक्शन जो हमारा होता है वो fx, फंक्शन को हम fx इज इक्वल टू y से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर जो हम फंक्शन की बात करें, तो क्लास 11 में हमने जो है 6 या 7 टाइप के फंक्शन को पढ़ा था, ठीक है। जैसे 6-7 टाइप के फंक्शन की मैं नहीं बात कर रहा हूँ, 2 या 3 फंक्शन की बात कर रहा हूँ। जैसे आपको अगर जो मैं एक फंक्शन की बात बताऊँ, तो आपको याद होगा आपने वहाँ पे पढ़ा था पॉलिनोमियल फ्लो, कौन सा फंक्शन? पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। दूसरा आपको याद होगा आपने पढ़ा था मॉडुलस फंक्शन, क्या पढ़ा था? मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। और अगर जो आपको याद होगा, तो आपने एक फंक्शन पढ़ा था सिग्नम फंक्शन, क्या रीड किया था आपने, क्या पढ़ा था? सिग्नम फंक्शन, ठीक है। वैसे तो आपने 7 या 8 टाइप के फंक्शन पढ़े थे, लेकिन मैं आपको मेन मेन फंक्शन की बात कर रहा हूँ, जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन और सिग्नम फंक्शन। तो डियर स्टूडेंट, अगर जो पॉलिनोमियल फंक्शन की बात करें, आपको अगर थोड़ा बहुत याद होगा, पॉलिनोमियल फंक्शन जो हमारा होता था, एफ सच दैट रियल टेंड्स टू रियल सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू, या तो एक्स स्क्वायर बनाते थे हम ग्राफ, या एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब बनाते थे, ठीक है, पॉलिनोमियल। मॉडुलस फंक्शन अगर याद होगा, तो आपको आपने राइट आप राइट कर देते एफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, इस तरीके से f such that real tends to real such that fx is equal to, ठीक है, 1 if x is greater than equal to 0, minus 1 if x is less than, ठीक है। अब ये स्टूडेंट सिग्नम फंक्शन की बात करें, सिग्नम फंक्शन अगर आपको याद होगा, तो f such that real tends to real such that fx is equal to, आप जो है 1 if x is greater than 0, 0 if x is equal to 0, और minus 1 if x is less than 0 करके आप प्राइम करते हैं, अगर जब तो याद। तो डियर स्टूडेंट, ये पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया, ये मॉडुलस हो गया, और ये क्या हो गया? सिग्नम फंक्शन हो गया। अब मैं आपको बता दूं कि जैसे मैं अगर जो पॉलिनोमियल फंक्शन की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ? पॉलिनोमियल फंक्शन की। तो डियर स्टूडेंट, पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूस होता है, ठीक है। अगर जो आपको याद हो, ठीक है, अगर जो आपको याद हो कि हम एफ एक्स इज इक्वल टू जो एक्स स्क्वायर था, उसका ग्राफ हम कुछ इस तरीके से बनाए, कुछ ऐसे बनाए, जस्ट लाइक ए अपवर्ड पैराबोला, जस्ट लाइक ए अपवर्ड पैराबोला। ये आपका कौन सा ग्राफ था? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ था, ठीक है। तो डीएस में किसका ग्राफ था? ये पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ था, ठीक है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन का जो मैंने ग्राफ बनाया वो विदाउट लिफ्टिंग पेन, मैंने एक बार लिया और इसको मैं बिना पेन उठाया मैंने जो है इस फंक्शन का ग्राफ को मैंने ड्रॉ कर लिया, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस फंक्शन ग्राफ। तो इसको हम बोल सकते हैं ये क्या हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, मैं एक एक करके डिस्क्राइब करता हूँ आपको। जैसे मैं आपको फर्स्ट बताता हूं पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक
पॉलिनोमियल फंक्शन का जो ग्राफ था ठीक है वो कुछ इस तरीके से बनता था। जैसे ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है और ये एक्स डैश एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है और ये क्या है वाई डैश एक्सिस। तो अगर जो आपको एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ याद हो तो देखिए कुछ ग्राफ ऐसा हम लोग बनाते हैं। तो डी स्टूडेंट ये किसका ग्राफ है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये ग्राफ कहीं भी आपका जो है मतलब कहीं भी इस ग्राफ में मैंने ब्रेक नहीं दिया है, ठीक है, मतलब मैंने एक बार पेन को लिया या मार्कर को लिया और एक बार इसको ड्रॉ कर दिया, यानी विदाउट लिफ्टिंग पेन जो है हमने इसका ग्राफ बनाया, ठीक है, इसको थोड़ा ऐसे भी कर सकते हो। ये पॉलीनोमियल फंक्शन है ग्राफ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस हो जाएगा, क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस ये पॉलीनोमियल फंक्शन ग्राफ हो गया और ये हमारा क्या हो गया कंटिन्यूअस फंक्शन ग्राफ, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट इसको नोट कर लें फिर मैं एक आगे बताता हूँ। ठीक है, अब ये स्टूडेंट हम बात करते हैं अभी अब ये स्टूडेंट हम बात करते हैं ठीक है मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस मॉडुलस फंक्शन। तो ये स्टूडेंट अगर जो हम मॉडुलस फंक्शन की बात करें ठीक है, मॉडुलस फंक्शन, तो मॉडुलस फंक्शन होता है एफ सच दैट रियल टेंस टू रियल सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स और एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स को हम लिख सकते हैं वन इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो माइनस वन इफ x is less than g, ये मॉडुलस फंक्शन होता है ठीक है। और मॉडुलस फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो कुछ भी शेप का होता है भी विक्ट्री साइन का होता है ठीक है, मॉडुलस फंक्शन का होता है, ये भी विदाउट लिफ्टिंग पेन का है, यानी मॉडुलस फंक्शन हमारा क्या है कॉन्टिन्यूस फंक्शन का होता है, क्या है कॉन्टिन्यूस। तो डियर स्टूडेंट हम दो ग्राफ के हेल्प से ये समझ चुके हैं कि हमारा ये क्या है कॉन्टिन्यूस। अब मॉडुलस के बाद हम आते हैं डियर स्टूडेंट सिग्नम, क्या आते हैं सिग्नम, इसको आप नोट कर लें। ठीक है, प्रोड्यूस फ्रेंड अब हम थर्ड समझते हैं, अब हम थर्ड समझते हैं सिग्नम फंक्शन, क्या है सिग्नम। देखिए सिग्नम फंक्शन क्या होता है, एफ सच दैट रियल टेंड्स टू रियल सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो वन इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो के जीरो
इफ एक्स इज लेस देन जीरो फिर माइनस वन, ये सिग्नम फंक्शन होता है। ठीक है, और ये स्टूडेंट सिग्नम फंक्शन मैं ड्रॉ करने से पहले बता देता हूँ, ये हमारा क्या होता है, एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ होता है, यानी कंटिन्यूअस नहीं होता। देखते हैं कैसे, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये क्या है वाई डैश एक्सिस। अब ध्यान से रखिए, सिग्नम फंक्शन की बात कर रहा हूं, जब एक्स इज ग्रेटर देन जीरो यानी जब जीरो से बड़ा होगा एक्स तो फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी, वन। क्या मिलेगी, वन। यानी आपको पता है कि जीरो से बड़ा कॉस इधर मिलेगा आपको, मतलब जीरो से ग्रेटर एक्स आपको इधर मिलेगा और जीरो से लेस एक्स इधर मिलेगा, यानी राइट साइड में जो है आपका जीरो से ग्रेटर एक्स मिलेगा और लेफ्ट साइड में जीरो से लेस जो है आपका एक्स मिलेगा। तो दिया है एक्स इज ग्रेटर देन जीरो तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, वन। अब इसे बात कुछ समझिए, तो मान लीजिए जब हम जीरो से बड़ा एक्स की बात कर रहे हैं तो फंक्शन यानी एफ एक्स की वैल्यू क्या है, वन। अब ध्यान से देखिए एक्स इज ग्रेटर देन जीरो दिया है यानी यहाँ पे क्या होगा, ओपन नोड होगा। क्या होगा, ओपन नोड। जैसे जब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है तो क्या होता है, ये जो नोड मैंने बनाया है यहाँ पे सर्किल टाइप का क्या हो जाता, फील हो जाता, क्योंकि ग्रेटर एक्स इज ग्रेटर देन जीरो में ओपन इंटरवल है ना, तो ओपन नोड हो गया। अब जीरो पे तो जीरो है यानी जीरो पे जीरो इसी पे हो गया। अब माइनस वन तब मिलेगा जब एक्स इज लेस देन जीरो, यानी जब एक्स हम जीरो से छोटा लेंगे तो उसमें मुझे फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस वन। ये भी क्या हो जाएगा, ओपन नोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब ध्यान से देखिए जब मैंने इन दोनों ग्राफ को बनाया, ठीक है, जब मैं फंक्शन के ग्राफ को बनाया चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पे, दोनों जगह मुझे पेन को क्या करना पड़ा, उठाना पड़ा। ये हमारा क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस, ये डिसकंटिन्यूअस ग्राफ हो जाएगा। तो डी एस में मैंने कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस हमें बहुत अच्छे समझ लिए हैं। अब हम ट्वेल्थ के टॉपिक पे आते हैं, ठीक है, किस पे, ट्वेल्थ के टॉपिक पे। नोट करिए, ठीक है डी एस में इसको डिस्कस, अब डी एस्टर हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूटी। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूटी, देखिए कॉन्टिन्यूटी का क्या कॉन्सेप्ट है, इसको समझने के लिए हम एक फंक्शन ले रहे हैं। फंक्शन क्या है, वन इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो, टू इफ एक्स इज ग्रेटर देन, जब एक्स क्या होगा जीरो या जीरो से छोटा होगा तो उसको वैल्यू वन मिलेगी, और जब एक्स जीरो से बड़ा होगा तो उसे फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी, टू। अब इसको समझते, ठीक है, जैसे मैं ग्राफ बनाता हूं, ध्यान से समझिए ये कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटिटी। देखिए वन कब मिलेगा, जब एक्स जीरो या जीरो से छोटा होगा, तो ध्यान से देखिए देखिए एक्स जीरो या जीरो से छोटा है, देखिए एक्स एक्स जीरो या जीरो से छोटे पे आपको फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी, वन। देखिए x 0 या 0 से छोटा किधर मिलेगा, x के लेफ्ट साइड में, ठीक है, और यहाँ पे इक्वल टू साइन है तो जो नोड है वो क्या होगा, फिल होगा। अब ध्यान से देखिए, अब टू आपको कब मिलेगा, जब x जो है 0 से बड़ा होगा, तो x से 0 से बड़ा इधर मिलेगा राइट हैंड साइड में, एफ एक्स के लिए क्या आ जाएगी, टू, यहाँ ओपन होगा। एक बात तो क्लियर होगा, ये जो मैंने फंक्शन लिया था इस फंक्शन को बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन। क्या बोलते हैं, पीस वाइज।
पीस वाइज का मतलब ये है कि ये वैल्यू जो है दो पॉइंट पे डिफाइन है, ग्रेटर पे, एक लेस पे या इक्वल टू पे, इस टाइप के फंक्शन क्या बोलते हैं, पीस वाइज फंक्शन। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये हमारा तो डिसकंटिन्यूअस हो गया क्योंकि मुझे यहाँ पे पेन को उठाना पड़ा, लेकिन मैं इसमें डिसकंटिन्यूअस समझने के लिए नहीं लिया हूँ ये पॉइंट, मैं इसलिए समझने के लिए आऊँ कि कॉन्टिन्यूटी का क्या प्रोसेस होता है, क्या रूल होता है। देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूँ, अगर जो मैं एक्स एक्सिस के माइनस इन्फिनिटी से अगर जो मैं जीरो की तरफ टेंडिंग कर रहा हूँ, टेंड कर रहा हूँ, तो इसको हम बोलेंगे LHL लेफ्ट हैंडिंग, यानी हम एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड से जीरो की तरफ जब आएंगे तो हमारी फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी, f(x = 1) और उसको हम क्या बोलेंगे, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट। जब हम पॉजिटिव इन्फिनिटी से जीरो की तरफ आएंगे, पॉजिटिव इन्फिनिटी से हम जब जीरो की तरफ आएंगे, ठीक है, तो देखिए, जब हम निगेटिव इन्फिनिटी से जीरो की तरफ आएंगे तो हमें वैल्यू जो मिलेगी फंक्शन की, उसको हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, अगर जो हम प्लस इन्फिनिटी से जीरो की तरफ टेंड करेंगे तो उसको हम बोलेंगे क्या, RHL। ठीक है, जब हम जीरो से उसको क्या बोलेंगे, RHL। ठीक है, अब मेरी बात को समझिए, अब जैसे जब हम माइनस इन्फिनिटी से जीरो की तरफ आ रहे थे तो LHL, और LHL हमारा जो होता है वो हमेशा निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए निगेटिव, इससे हम शो करेंगे। अच्छा, मैं यहाँ LHL और RHL बस सीधा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो माइनस इन्फिनिटी से जीरो की तरफ आते हैं तो आपको क्या मिलेगा, LHL, और प्लस इन्फिनिटी से अगर जीरो की तरफ आते हैं तो क्या मिलेगा, RHL। इधर से चलने पे LHL, इधर से चलने पे RHL, और LHL हमेशा निगेटिव वैल्यू देता है क्योंकि निगेटिव की तरफ टेंड्स कर रहा है, और RHL हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है क्योंकि ये पॉजिटिव की तरफ टेंड्स कर रहा है। तो अब देखिए, तो यहाँ पे एक बात ये क्लियर हुआ कि LHL, ठीक है, LHL इज इक्वल टू RHL, मतलब जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, यानी जब हम जीरो से जब हम x जीरो से लेफ्ट साइड में चले तो फंक्शन की वैल्यू क्या थी, 1। ठीक है, और जब हम जीरो से राइट हैंड साइड में चल रहे थे तो फंक्शन की वैल्यू क्या थी, +2। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लिमिट x टेंड्स टू जीरो निगेटिव से शो कर सकते हैं, और RHL को लिमिट x टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव से शो कर सकते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है, कि चाहे हम फंक्शन की वैल्यू 1 लिए, चाहे फंक्शन की वैल्यू 2 लिए, हम चेक किस पे किए हैं, जीरो पे चेक किए हैं कि जीरो से छोटा है तो 1 होगा, जीरो से बड़ा है तो 2 होगा, यानी हम किस पे चेक कर रहे हैं, कंटिन्यूटी जीरो पे। तो जब हम जीरो पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं तो जब हम LHL की बात करेंगे तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो निगेटिव हो जाएगा, उसको शो करने का ये मेथड है, और जब RHL की बात करेंगे तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो के ऊपर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। RHL हमेशा पॉजिटिव होता है और LHL क्या होता है, निगेटिव, क्योंकि ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ से जीरो की तरफ आएगा और ये प्लस इन्फिनिटी से जीरो की तरफ आएगा। अब ध्यान से देखिए, जब हम LHL की बात करें तो फंक्शन की वैल्यू क्या थी, 1, और जब हम RHL की बात करें तो फंक्शन की वैल्यू क्या थी, 2। तो ध्यान से देखिएगा, अगर जो LHL जो हमारा लिमिट एक्सटेंड टू जीरो निगेटिव और RHL लिमिट एक्सटेंड टू जीरो पॉजिटिव की बात करें तो LHL की वैल्यू 1 है और RHL की वैल्यू क्या है, 2 है, तो आपस में इक्वल है नहीं। जब LHL RHL से इक्वल होगा तभी जो है फंक्शन का ग्राफ क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ये कंटिन्यूअस नहीं, क्या है, डिसकंटिन्यूअस। क्या है, डिसकंटिन्यूअस। LHL की जो वैल्यू RHL के इक्वल नहीं। तो यहाँ से हमें एक बात पता चलता है कि किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए हम LHL इज इक्वल टू क्या लेते हैं, RHL। ठीक है, LHL इक्वल टू RHL लेते हैं, और जहां पे इक्वल टू होता है वहां पे हम लेते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन, क्या लेते हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन। डियर स्टूडेंट, इसको मैं यहां पे कर देता हूं, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, ऐसे। मतलब LHL ये क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया, RHL राइट हैंड लिमिट हो गया, और यहाँ पे इक्वल टू है, जैसे x लेस देन इक्वल टू जीरो है तो x लेस देन जीरो पे LHL हो गया, लेकिन x इज इक्वल टू जीरो पे क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन, जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन। ध्यान से देखिएगा, लिमिट LHL को हम लिमिट x टेंड्स टू ए निगेटिव से शो कर सकते हैं, ये जनरल फॉर्म बता रहा हूँ, और लिमिट x टेंड्स टू
ए पॉजिटिव से और वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ टी। अगर जो ये तीनों कंडीशन मिलता है, मतलब एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन हुआ, तो किसी भी फंक्शन में ग्राफ क्या हो जाएगा? कंटिन्यूस हो जाएगा। या मैं आपको बताया हूँ अभी कि एल एच एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर एच एल, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू ए निगेटिव इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव। ये भी हो जाए तभी हमारा फंक्शन का ग्राफ क्या हो जाएगा? कंटिन्यूस। अगर जो इन तीनों में से कोई एक भी इक्वल नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? वो डिसकंटिन्यूस। तो डियर स्टूडेंट, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि जब भी हम, ये तो फंक्शन ग्राफ हो गया, एल एच एल और आर एच एल का मुद्दा क्या है, जब भी हम माइनस इन्फिनिटी से जीरो की तरफ आएंगे यानी लेफ्ट साइड से आएंगे, तो एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट मिलेगा, और वहाँ पे मान लीजिए हम जीरो पे चेक कर रहे थे फंक्शन की वैल्यू, तो जीरो निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। बट हमने फॉर्मूला जनरल ऐड कर दिया ए निगेटिव, और आर एच एल क्या है, जब हम प्लस इन्फिनिटी से जीरो की तरफ आएंगे तो, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? राइट हैंड लिमिट मिलेगा। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट हमारा जो है कॉन्सेप्ट आपका हो गया, ठीक है। ओके स्टूडेंट।